फोनिक्स ग्रुप, अश्व और जातीय बंगला सम्मेलन के तरफ से आज लोगों के लिए हाजरा मोड़ से बस की शुरुआत की गई। इस मौके पर कार्तिक बैनर्जी ने नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की और कहा कि ये बस लोगों के मदद के लिए लाई गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दादा आज के जो आज के বাংলার বুকে দাদা এই বাস ইনগ্রেট করো হলো ফ্রি তে দাদা তার সম্বন্ধে কি বলবেন দাদা দেখুন এটা একটা শুভ প্রচেষ্টা সবাই চেষ্টা করছে মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমাদের জয় বাংলা সম্মেলন যেটা করছে সেটা একটা অভিনব আমরা অনেকেই খাবার দিচ্ছি অনেকেই প্লাস্টিক দিচ্ছি এ দিচ্ছি কেউ ওষুধ দিচ্ছে চেষ্টা করছে কিন্তু বাস পরিষেবা বিনামূল্যে দেবে এটা একটা অভিনব ভাবনা প্রত্যেকটা মানুষের যে বৈচিত্র্য আছে এটা তার থেকেই বোঝা যায় অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এটারও একটা দিক তা আমার মনে হয় এরা তো কমিউনিকেশন করে ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দিচ্ছে যতটা পারছে এদের ক্ষমতা অনুযায়ী করছে তার মধ্যে ওরা চেষ্টা করছে এই বাস পরিষেবাটা মানুষের কাছে একটা পৌঁছে দেবার জন্য যাতে গরিব মানুষরা এই বাসে উঠে তাদের কর্মসূচিতে যেতে পারে কারে কাজে যেতে পারে এটা আমার মনে হয় একটা ভালো এবং এটা আস্তে আস্তে বাড়লে লোকের অনেক সুবিধা হবে কিন্তু প্রাইভেট বাস এমনি চালাচ্ছে না তাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য সরকার চেষ্টা করছে সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয় পুরো সমস্যাটাকে সমাধান করা তাই যদি এইভাবে আমাদের জাগো বাংলার মতো সমস্ত সংগঠন যদি এগিয়ে আসে সেটা আমাদের মানুষের কল্যাণ আমার মনে হয় এই সাধু প্রচেষ্টাকে সবার সহযোগিতা করে অনেক জায়গায় দাদা পেট্রোলের জন্য লকডাউনের জন্য অটো চালকরা একটু প্রাইসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে ভাড়াটা একটু তার জন্য কিছু স্টেপ নেবে পৃথিবীতে দু ধরনের মানুষ হয় মানুষ হয় এটা কু একটা সুখ একটা হচ্ছে অভাব অনটনাতে বাধ্য হচ্ছে বাড়াতে আর একটা হচ্ছে কিছু লোক সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে তা দেখতে হবে এরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে না অভাবের জন্য করছে প্রয়োজনে করছে তাই এই জিনিসগুলো দেখতে হবে এখন আমি তো আর দেখে বলতে পারবো না যে এরা কি কু উদ্দেশ্য করছে না সুউদ্দেশ্য করে যদি অতিরিক্ত নেয় তাহলে অন্যায় আর যদি নিয়মের মধ্যে নেয় তাহলে ঠিক সাদাব ভাই ক্যা কেনা চাহেঙ্গে কোভিড কা লকডাউন কে বাদ ইয়ে যে বাস সেবা খুলি যা রহি হ্যায় लोगों में पैसे का ऐसे ही अकाली और इस मौके पर फ्री में बस सेवा दिया जा रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए बहुत ही बड़ा जातियों बांग्ला फोनिस ग्रुप और ओसवा के नौजवान रेहान खान जैसे लोगों का एक बहुत बहुत ही अच्छा एक स्टेप है क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के वक्त में सभी की पॉकेटें ढीली हो चुकी हैं कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं और आप जानते हैं अभी तक बसें बंद थी आज से बसों की सेवा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आज से कुछ 50% पैसेंजरों के साथ शुरू कर रही हैं उसमें बहुत से लोगों को परेशानियाँ आएंगी इसी के मद्देनज़र नज़र को रखते हुए उनके ध्यान रखते हुए गरीब मजलूमों का ख्याल रखते हुए क्योंकि बंगाल और कोलकाता की सरजमी जहाँ की जो हमारी CM ममता बनर्जी उनके जो साथ में जातीय बांग्ला फोनस ग्रुप और रेहान जैसे ओसवा जैसे लोग उनके साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं उनके पॉकेट पे असर ना पड़े इसलिए आज से फ्री बस सेवा पूरे कोलकाता के काफी जगहों पर जाएंगी इससे क्या होगा लोगों में जो एक कोविड जैसे सिचुएशन क्योंकि आज से बस शुरू हो रही है लोगों की भीड़ उसमें बढ़ेंगी उस भीड़ को भी अवॉइड करना है लोगों के पॉकेट को भी देखना है उनके असर ना पड़े और उनकी सब कुछ परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन आज सामने आई है और फ्री बस सेवा फ्री मैं फिर से बता दे रहा हूँ नो चार्जेस अगर आपसे इस बस का कोई चार्जेस मांगता है तो इनके जो वॉलंटियर आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं एक रुपया इन्हें देना नहीं है इनके कोई भी किसी को मना अगर कोई आपसे मांगने की कोशिश करे आपको फ्री बस सेवा जातियों बांग्ला और फोनेस ग्रुप और रेहान खान ओसवाल जैसे लोग आपको फ्री में करवाएंगे फोनेस ग्रुप हमेशा इस तरीके का इनिशिएटिव लेती है लोगों को सोशल काम से जुड़कर इस पर क्या कहना चाहिए देखिए ग्रुप यहाँ पर बहुत से ग्रुप है बहुत से लोग है लेकिन जातियों बांग्ला और फोनेस ग्रुप और जब गुलाम अशरफ साहब जो एक नाम है आज गुलाम अशरफ एक ऐसा नाम है जो लोग सुनते ही समझ जाते हैं कि सोशल वर्क का नाम गुलाम अशरफ है यूथ का एक आइकॉन बन चुके हैं उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और बस का अरेंजमेंट किया और ये एक बहुत ही अच्छा ऐसे काम पूरे कोलकाता में अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दे तो यहाँ के लोगों को कोलकाता के खासकर बांग्ला के लोगों को जो हम जॉय बांग्ला का नारा लगा रहे हैं ना ये जॉय बांग्ला का नारा गली गली हर इंसान गूंजेगा क्योंकि आज अगर ये स्टेप पूरे हर इलाके के सोशल वर्कर लोग ले लेंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी लॉकडाउन में जो उनको प्रॉब्लम हुआ है बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं बहुत लोग की सैलरियां हाफ हो गई हैं बहुत से एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम तो सारी परेशानियों का हल उनका ट्रैवलिंग होता है जिससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी जय बांग्ला और रेहान साहब और आगे क्या 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 इनिशिएटिव लेंगे आगे का इनिशिएटिव अभी पार्टनरशिप शॉप खुल रहा है हम लोग का और है बहुत सी इनिशिएटिव है अभी इसमें है अभी नेक्स्ट